गुल्ली बुल्ली और शॉन का वैकेशन शुरू हो गया है, इसलिए वो लोग बाबा और रॉर के साथ घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। गुल्ली ने कहा कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। बुल्ली कहता है कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बाबा कहते हैं, मूवी देखने तो हम कई बार जा चुके हैं, अब कोई नई जगह पे चलते हैं। शॉन कहता है कि क्यों ना हम पहाड़ों के पीछे वाले जंगल में घूमने के लिए जाए। तभी गुल्ली डरते हुए कहता है कि वो जंगल में काफ़ी खतरा है, वहाँ बहुत पुराना शमशान भी है। वहाँ के लोग कहते हैं कि वो शमशान सालों से बंद है, क्योंकि जो भी उस शमशान में गया है वो वापस लौट के कभी नहीं आया है, इसलिए वो शमशान बहुत सालों पहले से ही बंद है। लोग कहते हैं कि रात में उधर इविल नन भी दिखती है, और वहाँ के आसपास के इलाकों में रात को रोज इविल नन की हंसने की आवाज़ आती है। शॉन कहता है ये सब कहने की बात है, असलियत में भूत भूत कोई नहीं होता है, ये सब हमारे दिमाग का एक भ्रम है। गुल्ली कहता है नहीं, मैंने तो ये भी सुना है, उसमें से एक भी आदमी आज तक नहीं मिला है। गुल्ली ने कहा कि जब बाबा हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बाबा को कोई भी हरा नहीं सकता है, बाबा सर्वशक्तिमान है। शॉन ने कहा कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वहाँ पहुँचने के लिए हमें काफ़ी देर हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम सब लोग तैयार हो जाओ, मैं अपने दोस्त थाइनोस को बुला लेता हूँ, थाइनोस हमें 15 से 20 मिनट में वहाँ पे पहुँचा देगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा की बात सुन के काफ़ी खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग तैयार होकर बाहर आते हैं, और वो लोग बाबा के दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे। गुल्ली बाबा से कहता है कि आपके दोस्त को आने में कितनी देर लगेगी। बाबा ने कहा कि वो रास्ते में ही है, बस 5 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगा। थोड़ी ही देर में थैनोस वहाँ पे आ जाता है। थैनोस नीचे आके पहले बाबा के पैर को छूता है। थैनोस ने कहा कि तुम सब लोग मेरे ऊपर बैठ जाओ, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉर थैनोस के ऊपर बैठ जाते हैं। थैनोस सबको पीछे बिठाकर जंगल की ओर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। गुल्ली कहता है कि जंगल बहुत ही सुनसान है, इधर तो कोई नहीं दिख रहा। शॉन कहता है अच्छा हुआ कोई नहीं है, अब हम लोग पूरे जंगल में घूम सकते हैं। वो लोग पूरा जंगल घूमते हैं, और वो लोग जंगल में ही टेंट लगा देते हैं, और वो लोग पार्टी करने लगते हैं। सब लोग डांस करके बहुत ही थक जाते हैं। रॉर कहता है कि काफी रात हो गई है, हम लोगों को सो जाना चाहिए, और सब लोग टेंट में जाके सो जाते हैं। आधी रात को शॉन को किसी की आवाज सुनाई देती है, लगातार उससे कोई बुला रहा था, वो आवाज जंगल से आ रही थी। शॉन को लगता है पेड़ के पीछे से उसे कोई बुला रहा है। शॉन जंगल की ओर आगे बढ़ने लगता है। शॉन उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ता है, और देखते ही देखते शॉन शमशान में आ जाता है। शॉन का ध्यान वहां पड़ी एक कब्र पे गया। शॉन को कब्र में से कोई आवाज दे रहा था। शॉन को लगता है कब्र में कोई आदमी फंसा हुआ है, और शॉन कब्र को खोलता है। शॉन के होश उड़ जाते हैं। शॉन ने देखा कब्र में और कोई नहीं बल्कि इविल नन है। इविल नन शॉन का गला पकड़ लेती है। शॉन जैसे तैसे इविल नन से अपने आप को बचाकर वहां से भागने के लिए कोशिश करता है, पर सामने से इविल नन के दो मॉन्स्टर आ जाते हैं, और वो सब लोग शॉन को घेर लेते हैं। शॉन मॉन्स्टर से बहुत ही डरा हुआ था। तभी इविल नन शॉन के सर पे जोर से वार करती है। शॉन इविल नन के वार से बेहोश हो जाता है। इविल नन शॉन को उठाकर कब्र की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इविल नन दोनों मॉन्स्टरों से कहती है,
कि तुम दोनों इधर ही रुको और जब तक मैं कब्र के बाहर ना आ जाऊँ तब तक कब्र के आसपास किसी को आने मत देना। मॉन्स्टर इविल नन की बात मानकर कब्र की रखवाली करने लगते हैं और इधर सब सो रहे थे। तभी बाबा सपने में किसी की धुलाई कर रहे थे और बाबा नींद में ही गुल्ली को लात मार देते हैं। गुल्ली बाबा की लात से उछलकर वापस नीचे गिरता है और गुल्ली की नींद खुल जाती है। गुल्ली ने शॉन की जगह पर देखा पर शॉन अपनी जगह पर नहीं था। गुल्ली बाबा को उठाता है और कहता है कि शॉन अपनी जगह पर नहीं है। बाबा और गुल्ली शॉन का इंतजार करते हैं पर काफ़ी देर हो गई फिर भी शॉन नहीं आया। बाबा सबको उठा देते हैं। गुल्ली बाबा से कहता है कि मुझे लग रहा है कि शॉन मुसीबत में है। सब लोग शॉन को ढूंढने अलग अलग जगह पर जाते हैं पर बहुत कोशिशों के बाद भी शॉन का कुछ पता नहीं चलता है। तभी गुल्ली को एक अंकल दिखते हैं। गुल्ली ने बाबा से कहा कि वो देखो वहाँ एक अंकल खड़े हैं, हम लोग उसी से पूछ लेते हैं, शायद उसने कुछ देखा हो तो। गुल्ली और बाबा अंकल के पास जाते हैं। गुल्ली ने अंकल से कहा, हमारा दोस्त शॉन यहाँ पे गुम हो गया है, क्या आपने किसी लड़के को यहाँ से जाते हुए देखा है? अंकल बहुत ही डर जाते हैं और डर की आवाज़ में गुल्ली को कहते हैं, तुम लोग वापस यहाँ से अपने अपने घर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम सब लोग मारे जाओगे। तुम्हारा दोस्त शॉन अब तक मॉन्स्टर का शिकार बन चुका होगा। बाबा अंकल से कहते हैं कि कौन है वो मॉन्स्टर और कहाँ मिलेंगे, अगर मॉन्स्टर मेरे हाथ लग गए तो मैं मॉन्स्टर की हड्डी पसली एक कर दूंगा। अंकल ने बाबा से कहा कि उन मॉन्स्टरों को हराना इतना भी आसान नहीं है और अगर तुमने मॉन्स्टर हरा भी दिए तो इविल नन से जीतना नामुमकिन है। बाबा अंकल से कहते हैं कि मैं ऐसे मॉन्स्टरों को पहले भी मजा चखा चुका हूँ, तुम मुझे सिर्फ जगह बताओ वो दो मॉन्स्टर कहाँ पे मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम शॉन को बचा कर ही रहेंगे। अंकल ने बाबा से कहा कि तुम्हारे जैसे कितने लोग आगे इविल नन को मारने की बहुत कोशिश कर चुके हैं पर कोई भी इविल नन को मार नहीं पाया, बल्कि इविल नन ने उन लोगों को मार दिया। जाते जाते अंकल कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त वो शमशान में ही है, तुम बचा सकते हो तो उसे बचा लो। इतना कहते ही अंकल वहाँ से चले जाते हैं। बाबा थाइनोस से कहते हैं कि हमें जल्दी उस शमशान में पहुंचना होगा। थाइनोस गुल्ली बुल्ली बाबा और रोर को लेकर शमशान की ओर आगे बढ़ने लगता है। थाइनोस ने बाबा से कहा, मुझे वो कब्र दिखाई दे रही है। थाइनोस जैसे ही कब्र के पास पहुंचता है और कब्र खोलने की कोशिश करता है, छुपे हुए मॉन्स्टर बाहर आकर थाइनोस को जोरदार मारते हैं। बाबा को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। बाबा ने मॉन्स्टर से कहा कि दम है तो मेरा मुकाबला करो। मॉन्स्टर बाबा की ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। ये क्या, बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया है, लगता है आज बाबा मॉन्स्टर को नहीं छोड़ेंगे। बाबा उड़कर मॉन्स्टर को लात मारने जाते हैं पर मॉन्स्टर बाबा को एक ही हाथ में पकड़ लेता है और बाबा को आसमान में उछाल देता है। बाबा बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते हैं और बाबा की हड्डियाँ टूट जाती है। गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी डर गए थे। बाबा बेहोश हो जाते हैं। फिर मॉन्स्टर बाबा को दूर फेंक देते हैं। गुल्ली बुल्ली थैनोस और रॉर बाबा के पास जाते हैं और बाबा को होश में लाने की कोशिश करते हैं पर बहुत कोशिशों के बाद भी बाबा उठ नहीं रहे थे। तभी गुल्ली बाबा का हाथ पकड़ के चेक करता है और सब लोगों से कहता है कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे। ये बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। बाबा की मौत की खुशी में दोनों मॉन्स्टर डांस करने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली रॉर और थाइनोस बाबा के जाने से बहुत दुखी थे। तभी अचानक कब्र खुलती है और कब्र में से शॉन बाहर आता है। शॉन को जिंदा देखकर गुल्ली बुल्ली और रॉर बहुत ही खुश होते हैं पर तभी शॉन के पीछे पीछे इविल नन भी कब्र से बाहर आती है। इविल नन कब्र में से बाहर आकर सबसे पहले मॉन्स्टर के पास जाती है। मॉन्स्टर इविल नन को देखकर सबसे पहले इविल नन के पैर छूते हैं और इविल नन से कहते हैं कि हमने बाबा को मार दिया।
ये बात सुनकर इविल नन मॉन्स्टर को आशीर्वाद देती है। उसके बाद इविल नन शॉन के तरफ घूमती है और शॉन को कहती है, गुल्ली बुल्ली, रॉर और थैनोस, इन चार लोगों को तुम्हें ही मारना होगा। ये काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। शॉन इविल नन की बात मानकर गुल्ली बुल्ली, रॉर और थैनोस की तरफ देखता है। गुल्ली बुल्ली, रॉर और थैनोस शॉन को देखकर बहुत ही डर गए थे। शॉन उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। गुल्ली बुल्ली, रॉर और थैनोस शॉन को पास आके देख भागने लगते हैं। शॉन लगातार उन लोगों का पीछा कर रहा था। तभी दौड़ते दौड़ते गुल्ली का पैर फिसलता है और गुल्ली नीचे गिर जाता है। ये देखकर बुल्ली गुल्ली को उठाने के लिए जाता है, पर तभी उन लोगों के सामने शॉन आ जाता है। शॉन को देखकर गुल्ली और बुल्ली काफ़ी डर जाते हैं। शॉन एक हाथ में गुल्ली और एक हाथ में बुल्ली को उठा लेता है। गुल्ली और बुल्ली शॉन के सामने बहुत ही गिड़गिड़ा रहे थे, पर शॉन उन लोगों को नहीं छोड़ता है और रॉड धीरे धीरे करके शॉन के पीछे आ जाता है। और शॉन के सर पर डंडा मारता है और शॉन बेहोश हो जाता है। गुल्ली और बुल्ली की जान में जान आती है और उधर थैनोस भी पहुंच जाता है। थैनोस ने कहा, बाबा उन मॉन्स्टरों से हार गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बाबा भी हार सकते हैं, और हम लोग तो बाबा को उधर ही छोड़ के आए हैं, ना जाने वो लोग बाबा के साथ क्या करेंगे। तभी गुल्ली ने कहा कि हम बाबा को वापस लेके आएंगे। तभी थैनोस गुल्ली बुल्ली और रॉड से कहता है कि तुम लोग इधर ही रुको और शॉन के होश में आने का इंतजार करो, शॉन जैसे ही होश में आए वैसे मुझे कॉल कर देना। इतना कहते ही थैनोस बाबा को लेने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही देर में थैनोस शमशान के पास पहुंच जाता है। थैनोस ने देखा कि इविल नन और दो मॉन्स्टर बाबा के पास खड़े हुए है। ये देखकर थैनोस नीचे चुपके से उतरता है और इविल नन और मॉन्स्टर की बातें सुनने लगता है। तभी इविल नन थैनोस को देख लेती है और दोनों मॉन्स्टरों को इशारा कर देती है और दोनों मॉन्स्टर धीरे से थैनोस को उठा के ले आते हैं। इविल नन भी थैनोस को बहुत मारती है। और इविल नन मॉन्स्टर से कहती है कि इसे भी बाबा के पास पहुंचा दो। ये बात सुनकर मॉन्स्टर एक बड़ी सी तलवार लेके आता है और वो तलवार से थैनोस पे वार करने के लिए जाता है। अचानक से मॉन्स्टर जल के नीचे गिर जाता है। इविल नन और दूसरे मॉन्स्टर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि मॉन्स्टर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि बाबा था। इविल नन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बाबा से कहती है कि तुम बच कैसे गए। बाबा कहते हैं कि बाबा को मारना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, बाबा अमर है। बाबा ने कहा कि मैंने अपनी सांस एक घंटे तक रोक के रखी थी, क्योंकि मुझे लगा था इन मॉन्स्टरों के पीछे कोई ना कोई तो होगा ही। इविल नन बहुत ही डर जाती है और वो फटाफट खड़ी होकर कब्र के अंदर चली जाती है। फिर बाबा और थैनोस दूसरे मॉन्स्टर की धुलाई करते हैं और बाबा और थैनोस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे शॉन को होश आ जाता है, पर किसी का ध्यान शॉन पे नहीं था। शॉन धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली और रॉर के पीछे आता है। शॉन गुल्ली को लात मारता है। शॉन को देखकर गुल्ली बुल्ली और रॉर अलग अलग जगह पे भागने लगते हैं। शॉन रॉर के पीछे पड़ जाता है और शॉन दौड़ते दौड़ते रॉर के बाजू में आ जाता है और शॉन उछलकर रॉर के सर पे वार करता है। रॉर बेहोश हो जाता है। शॉन कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इविल नन का हुक्म मानना मेरा फर्ज है। गुल्ली और बुल्ली छुपकर सब कुछ देख रहे थे और गुल्ली थैनोस को कॉल करता है। गुल्ली थैनोस से कहता है कि शॉन पागल हो चुका है, अब शॉन का इलाज कुछ करना पड़ेगा। जब से वो कब्र में से बाहर आया है तब से उसकी हरकतें कुछ अजीब हो गई है, शायद इविल नन ने शॉन पे कुछ जादू किया हुआ है। थैनोस कहता है, ठीक है, हम लोग उसका कुछ इलाज ढूंढते हैं। बाबा और थैनोस मॉन्स्टर को पूछते हैं, तुम लोगों ने शॉन के साथ क्या किया है और शॉन ठीक कैसे होगा। मॉन्स्टर बाबा से कहता है कि चाहे मेरी जान भी चली जाए पर मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा। बाबा को मॉन्स्टर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बाबा थैनोस से कहते हैं कि इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी ये कुछ बताएगा। बाबा थैनोस को कुछ इशारे करते हैं
और थैनोस मॉन्स्टर को ले जाकर पेड़ के साथ बांध देता है और बाबा कांटे वाला डंडा लेके आते हैं और बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं, चल बता शॉन को कैसे ठीक करना है। पर मॉन्स्टर कुछ नहीं बोलता है। बाबा मॉन्स्टर को डंडे से लगातार मारते रहते हैं। मॉन्स्टर बाबा से कहता है, बस अब मुझे मत मारो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और बाबा रुक जाते हैं। मॉन्स्टर बाबा से कहता है, उस कब्र के अंदर एक दूसरी दुनिया है जहाँ पर इविल नन रहती है। शॉन को ठीक करने की दवा इविल नन के बेडरूम में है। बाबा और थैनोस कब्र की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर उन लोगों को आवाज देता है। मॉन्स्टर थैनोस और बाबा से कहता है कि तुम लोग अंदर तो जा रहे हो, पर अंदर बहुत ज्यादा खतरा है। तुम लोगों को अंदर हथियार लेके जाना होगा, फिर भी तुम लोग बच जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं कि हम लोग ऐसे खतरों से रोज लड़ते हैं, हमने कई मॉन्स्टरों को मारा है, तो ये इविल नन क्या चीज है? इविल नन को तो मैं मच्छर की तरह मसल डालूंगा। मॉन्स्टर ने कहा, वो इविल नन की दुनिया है और वहाँ पे वो बहुत शक्तिशाली है, तुम दो लोग जाके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। थैनोस ये बात सुनकर डर जाता है और बाबा से कहता है कि हम लोग हथियार लेके जाते हैं सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए। बाबा मान जाते हैं और बाबा अपनी शक्तियों से दो राइफल ले आते हैं। थैनोस और बाबा एक एक राइफल लेकर कब्र की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। बाबा और थैनोस जैसे ही कब्र के अंदर जाने वाले होते हैं, मॉन्स्टर उसे आवाज देके रोक लेता है। मॉन्स्टर बाबा से कहता है कि अभी भी टाइम है, तुम लोग वापस आ जाओ, तुम एक बार अंदर गए तो वापस जिंदा कभी नहीं आओगे। बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं कि तुम इधर ही रुकना, मैं तुम्हारी इविल नन को अभी बाहर लेके आता हूँ और तुम्हारे सामने ही उसे मारूंगा। इतना कहते ही बाबा और थैनोस कब्र के अंदर चले जाते हैं। बाबा और थैनोस दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। बाबा और थैनोस जैसे ही अपने आसपास देखते हैं, वैसे उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। थैनोस बाबा से कहता है कि मॉन्स्टर सच कह रहा था, हम लोग इधर इविल नन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बाबा थैनोस से कहते हैं, वो तो ठीक है, पर अब हम लोग क्या करेंगे? दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और इविल नन के आगे के पार्ट्स नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अब तक हमने देखा, बाबा सभी मॉन्स्टरों के बीच में लड़ाई करवा देते हैं और सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं। बाबा इविल नन के घर के बाहर आकर इविल नन को आवाज़ लगाते हैं। थोड़ी ही देर में इविल नन घर में से बाहर आती है। बाबा और थैनोस इविल नन पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, पर उन गोलियों का इविल नन पे कोई भी असर नहीं होता है। ये देखकर थैनोस बहुत ही डर जाता है और इविल नन बाबा को एक जोरदार चांटा लगाती है। इविल नन के हाथ का मार खाकर बाबा को बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है और बाबा बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और बाबा इविल नन को धो डालते हैं। इविल नन अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। बाबा भी इविल नन के पीछे पीछे जाते हैं। अचानक इविल नन दौड़ते दौड़ते नीचे गिर जाती है और बाबा उसे पकड़ लेते हैं। इविल नन बाबा से अपने जान की भीख मांगने लगती है, पर बाबा इविल नन का गला पकड़कर इविल नन को हवा में उठा लेते हैं। अचानक इविल नन हंसने लगती है और इविल नन बाबा को पीछे देखने का इशारा करती है। बाबा जैसे ही पीछे देखते हैं तो बाबा के होश उड़ जाते हैं। बाबा ने देखा कि गुल्ली और बुल्ली को मॉन्स्टर और शॉन ने पकड़ के रखा हुआ है। इविल नन बाबा को पैर छूने के लिए कहती है। बाबा इविल नन के पैर छूते हैं। इविल नन ये देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अब आगे देख लेते हैं। इविल नन बाबा को झुकाकर बहुत खुश थी। इविल नन शॉन और मॉन्स्टर से कहती है, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, उसका इनाम तुम लोगों को ज़रूर मिलेगा और आज रात सभी लोगों को बुलाकर हम लोग पार्टी करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे बकरे फंस गए हैं। तभी मॉन्स्टर इविल नन से कहता है कि बाबा को तो मैं ही खाऊंगा, बाबा ने मुझे बहुत मारा है, उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा, बाबा की बलि मैं ही चढ़ाऊंगा। इविल नन ने कहा, नहीं, बाबा को मेरे हाथ से मरना होगा, क्योंकि बाबा ने मुझे मारने की कोशिश की है और उसकी सजा सिर्फ मौत है। बाबा इविल नन से कहते हैं कि मुझे मारना है तो जान से मार डालना, अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। इविल नन कहती है कि इस बाबा को बंदी बनाकर हम लोग शहर में रैली निकालेंगे। अचानक गुल्ली को कुछ आइडिया आता है और गुल्ली मॉन्स्टर के सामने देखकर कुछ बोलता है, पर मॉन्स्टर को सुनाई नहीं देता।
मॉन्स्टर ने गुल्ली से कहा कि तुम अकेले में क्या बड़बड़ कर रहे हो। गुल्ली ने कहा कुछ नहीं। मॉन्स्टर गुल्ली से कहता है कि नहीं, तुमने कुछ मेरे बारे में बोला, क्या बोला है मुझे बताओ। गुल्ली मॉन्स्टर से हंसते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम इविल नन के गुलाम हो। ये बात सुनकर मॉन्स्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और मॉन्स्टर गुल्ली से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। गुल्ली ने कहा, इसमें मैंने झूठ क्या बोला, तुम इविल नन के गुलाम ही हो। ये बात सुनकर मॉन्स्टर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर मॉन्स्टर ये नहीं जानता था कि गुल्ली जानबूझकर उसको गुस्सा दिला रहा है। मॉन्स्टर ने कहा, मैं इविल नन की इज्जत करता हूँ, इसलिए इविल नन की कही हुई बात मैं मानता हूँ, और इविल नन भी मेरी उतनी ही इज्जत करती है। गुल्ली ने मॉन्स्टर से कहा, तो फिर साबित करके दिखाओ, बाबा को इविल नन के पास से मांग के दिखाओ, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम गुलाम नहीं हो। मॉन्स्टर गुल्ली की बात में आकर इविल नन को आवाज़ लगाता है और इविल नन से कहता है कि बाबा को मैं अपने हाथों से ही मारूंगा, आप बाबा को मेरे हवाले कर दीजिए। इविल नन मॉन्स्टर पे चिल्लाते हुए मॉन्स्टर को कहती है, तुम्हें एक बार बोला तो तुम्हारे समझ में नहीं आता है क्या, बाबा को मैं ही मारूंगी, फिर क्यों मुझे वापस पूछ रहा है, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मेरे सामने बोल रहा है। मॉन्स्टर गुल्ली के सामने देखता है, गुल्ली मॉन्स्टर को देखकर हंसता है। ये देखकर मॉन्स्टर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मॉन्स्टर गुस्से में बाबा के पास चला जाता है और इविल नन से कहता है कि आज से मैं बाबा के साथ हूँ। ये बात सुनकर इविल नन के होश उड़ जाते हैं। मॉन्स्टर बाबा से कहता है, इविल नन को आपको जो सज़ा देनी है वो दे दीजिए, अब मैं बीच में नहीं आऊँगा, आप इविल नन को संभालिए, तब तक मैं सोन की दवा लेके आता हूँ। बाबा अचानक खड़े हो जाते हैं, बाबा का एक्सट्रीम मोड वापस ऑन हो गया है और बाबा इविल नन की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। ये सब देखकर इविल नन के पसीने छूट जाते हैं और बाबा इविल नन की धुलाई शुरू कर देते हैं। बाबा इविल नन की जमकर पिटाई करते हैं। और बाबा इविल नन से कहते हैं कि तुम मुझे बंदी बनाकर रैली निकालने वाली थी ना, और अब मैं तेरी रैली निकालूंगा। बाबा अपनी शक्तियों से बाइक और रस्सी ले आते हैं। बाबा इविल नन के दोनों हाथ बांधकर रस्सी को बाइक के पीछे बांध देते हैं और बाबा बाइक चलाकर पूरे शहर में घूमते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा बाइक लेके वापिस आते हैं। मॉन्स्टर बाबा को आते हुए देख बाबा के पास जाता है और बाबा से कहता है कि सोन ठीक हो गया है। मॉन्स्टर देखता है कि इविल नन की हालत बाबा ने बहुत खराब कर दी है। मॉन्स्टर इविल नन के पास जाकर डांस करने लगता है। और मॉन्स्टर इविल नन से कहता है, देखा मेरे साथ पंगा लेने का नतीजा। और मॉन्स्टर बाबा के पास जाता है और बाबा से कहता है कि ये इविल नन का अब क्या करना है। बाबा इविल नन से कहते हैं कि जा, तुझे जीवन दान दिया। और बाबा गुल्ली और बुल्ली के पास जाते हैं। तभी इविल नन बाबा पे हमला करने जाती है, पर बाबा को पता चल जाता है। बाबा पीछे घूमकर अपनी शक्तियों से इविल नन को जला देते हैं। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।